हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम जो है 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जो है ये क्वेश्चन है, HSC में पहले पूछे जा चुके हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी हरियाणा पुलिस का जैसे एग्ज़ाम हुआ इसमें देखने को मिले, ठीक है। और लगभग मैं यही कहूँगी कि लगभग लगभग पूरा जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर मीन्स अभी जो 2021 में लेटेस्ट में जो पेपर हुए थे उन्हीं में से जो था कम्प्लीट पेपर आपका दिया गया था, सिर्फ अगर हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो। अदरवाइज पूरा पेपर जो था वहाँ से आया था, तो वही क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं। तो आज जो है हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि कितना जो है आप सही कर पाते हैं, ओके, और शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर HSC के लिए आप पटवारी, ग्राम सचिव या किसी भी एग्जाम की HSC की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, कोड है TOPERS50। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा मॉक टेस्ट पे, ओके, तो जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17 और 20, ठीक है। इसमें देखना है हमें कि 20 के बाद जो है क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर जो है क्या वैल्यू आएगी इस वाले पॉइंट पे। देखिए देखते हैं, देखिए 2 में अगर मैं 3 को ऐड करती हूँ तो 5 हो जाता है, 5 में अगर मैंने प्लस 2 किया तो 7 हो गया, 7 + 3 = 10 हो जाएगा, 10 + 2 = 12, 12 + 3 = 15, 15 + 2 = 17, 17 + 3 = 20, तो आगे क्या होगा 22 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ओके। तो एक बार 3 को ऐड किया गया, एक बार 2 को ऐड किया गया, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, कोई नंबर है और उसका जो 3/5 है उनके बीच का नंबर जो डिफरेंस है वो 50 है, तो व्हाट इज द नंबर। एक संख्या और उस संख्या के 3/5 का अंतर 50 है, तो संख्या में मान लेती हूँ जैसे x है, ठीक है, और इसका 3/5, x का 3/5, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये बराबर है किसके, 50 के, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5x - 3x/5 = 50, 2x = 5 इधर जाएगा, 50 × 5 और x = 50 × 5/2, 25, 25 × 125, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया देखिए वर्ष 1929 दिसंबर में आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। एक शिफ्ट में जैसे इससे पहले वाला जो मॉक टेस्ट किया हमने उसमें पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी ये रखी कब गई थी, तो 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें रखी गई थी। अब ये पूछा गया है कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस वक्त की राजधानी थी पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था, ठीक है, तो लाहौर यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए लाहौर, ओके। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता भी आपको पता होनी चाहिए, 31 दिसंबर 1929 को जो अधिवेशन हुआ लाहौर में उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं तीनों ही घुमा फिराकर, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, विच कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। क्या कहा गया, कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए गए हैं और भौतिक रूप से फिजिकली जो है वो सबसे बड़े हैं, मेन फ्रेम, नैनो, मिनी या सुपर। देखिए जो सबसे बड़े हैं और पावरफुल भी हैं कौन से कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर राइट हो जाएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो है सही होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, जैसे अभी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था शायद क्वेश्चन कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर किस तरीके का कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर,
ठीक है, जहां पे एक साथ बहुत सारे बंदे जो हैं काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछे जाए वेदर फोरकास्टिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मौसम संबंधी जानकारी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो दोनों याद रखिएगा इसमें, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ओके, जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब नवंबर 1966 में बना, तो देखिए तीन इसमें आपको जरूर याद रखनी है। जब जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट था वो सबसे पहले कब बना था, 1919 में बना था, ठीक है, लाहौर हाईकोर्ट के नाम से जिनको जाना जाता था। उस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, उस वक्त मुख्य न्यायाधीश बने थे सर शादीलाल, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को या आज़ादी के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश उस वक्त बने थे कौन, रामलाल, ठीक है, तो वो न्यायमूर्ति रामलाल वहां पे हो जाएगा राइट आंसर। और फिर बात आती है 1966 में जब हरियाणा बना तो हरियाणा का कौन मुख्य न्यायाधीश बना था, तो न्यायमूर्ति मेहर सिंह जो थे वो बने थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, न्यायमूर्ति मेहर सिंह, ठीक है। तो न्यायमूर्ति रामलाल मैंने आपको बता दिया कब बने थे, ये बने थे 15 अगस्त 1947 के बाद, मींस जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जो पहले न्यायाधीश बने थे वो कौन थे, न्यायमूर्ति रामलाल थे। और जो बिल्कुल सबसे पहले बने 1919 में, 20 मई 1919 को जब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई लाहौर में, उस वक्त मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर शादीलाल बने थे। इनका संबंध पूछा जाता है सर शादीलाल का कहाँ से था, तो रेवाड़ी से था इनका संबंध, ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा इसमें। चलिए तो 5 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग स्टील विद ए थिन लेयर ऑफ। गैल्विनीकरण, गैल्विनाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टील पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया है, ये पूछा गया है। तो स्टील पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जिंक की। और जिंक को किससे डिनोट किया जाता है, ZN से डिनोट किया जाता है, तो ZN हो जाएगा, ठीक है। AL से किसको डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को, ठीक। CU मीन कॉपर और AG मीन सिल्वर, AG सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। और एक और आता है ना AU, AU क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इनके सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द डैश एंड डैश कीज लेट यू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग और एंड ऑफ ए लाइन। मतलब कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जिनका यूज कर्सर को जो लाइन है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में और लास्ट में लाने के लिए यूज किया जाता है, आदि या अंत में चलाने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी अभी देखा था आपने, क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसके लिए यूज करते हैं, होम की का यूज किया जाता है फॉर बिगनिंग और एंड की का यूज किया जाता है एंड ऑफ ए लाइन, ठीक है। होम और एंड जो है सही हो जाएगा। देखिए डिलीट से तो डिलीट हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। इंसर्ट, अगर हमें जब कुछ ऐड करना होता है तब उसके लिए इंसर्ट होता है, तो ये भी गलत है। ESC जो है वहां से उस विंडो से बाहर आने के लिए हम यूज करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होम और एंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ओके, कहा गया है विच सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज न्यूज लेटर और ब्रोशर। ये भी क्वेश्चन जो था रिपीट था। ओके, देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो किसका यूज किया जाता है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग का, ठीक है, 8th का सी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन ए ट्रेडिशनल मेन फ्रेम एनवायरमेंट ईच यूजर एक्सेस द मेन फ्रेम रिसोर्सेज थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड। ओके, मेन फ्रेम एनवायरनमेंट यानी कि जब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं तो एक डिवाइस के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। ओके, तो वो किसके थ्रू हो जाता है, रोलर, पॉइंटर, टर्मिनल या प्रिंटर। तो किसके थ्रू होता है, ये टर्मिनल के थ्रू होता है। तो उस डिवाइस, कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, टर्मिनल का, तो डिवाइस कॉल्ड है टर्मिनल जो है राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, बार्टर प्रणाली यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। देखिए फर्स्ट कहा गया, इस व्यापार प्रणाली में वस्तुओं का विनिमय डिजिटल मुद्रा के द्वारा किया जाता है या इसमें नकद मुद्रा के द्वारा किया जाता है वस्तुओं का विनिमय। नेक्स्ट है, नकद मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय किया जाता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बार्टर प्रणाली क्या होती है, इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी, कि इसमें जो है वस्तुओं का जो विनिमय है यानी कि जो एक्सचेंज की जाती हैं चीज़ें वो बिना किसी नकद मुद्रा के होती हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा बार्टर सिस्टम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ही इज कंसिडर्ड टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हरियाणा, ही सर्व्ड 3 सेपरेट टर्म्स एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, द अबव लाइन रेफर्स टू, उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है जिन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, ये पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं। ओके, देखिए 3 बार की भी याद रखिएगा, ओम प्रकाश चौटाला तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि ये तो 5 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। चौधरी देवीलाल नहीं होंगे क्योंकि ये 2 बार बने थे, ये भी कट हो गया। अब बचे 2, भजन लाल और बंसी लाल। तो ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं ये किसके लिए कही गई हैं, बंसी लाल को के लिए कही गई हैं। बंसी लाल को जो है हरियाणा का क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, या हरियाणा का वास्तुकार जो है बंसी लाल को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 3 अलग अलग बार जो थे बने थे, कब कब, 1968 से लेकर 77 तक, 1985 से लेकर 87 तक और 1996 से लेकर 99 तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगातार बने हुए हैं 68 से 77 तक, तो इसको इस तरीके से काउंट किया गया है 3 बार। ठीक है, जन्म फिर पूछा जाता है इनका कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भिवाणी में, भिवाणी जिले के किस गांव में पूछा जाए तो गोलागढ़ गांव में, गोलागढ़ गांव के जाट परिवार में जो था इनका जन्म हुआ था। ओके, और 99 तक जो है इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, 1999 तक। ठीक है, लास्ट जो हुआ था, और आपातकाल के टाइम पर जब 1975 में आपातकाल था तो तब भी जो थे ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और इनको जो है इंदिरा गांधी का विश्वास पात्र जो था माना जाता था। ओके, चलिए वैसे अगर हम देखें तो ये जो है टोटल 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया 3 सेपरेट टर्म इसमें यूज़ किया गया है, तो इसीलिए ये इसमें 3 तरीके से ये इस तरीके से आया 1968 से 77, ये क्योंकि लगातार बना था इस वजह से जो है इसको एक ही बार में काउंट किया गया है और ये इस करके 3 जो है मैंने आपको बताया है। अदरवाइज ये 4 टाइम थे जो मुख्यमंत्री बने थे, 68, 72, 86 और 96 में। ठीक है, और ये भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे और राव वीरेंद्र दूसरे मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हरियाणा के जो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, बंसी लाल ही बने थे। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। और भजन लाल जो थे ये हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, पहली बार जो थे ये 1979 में बने थे। ठीक है, 1979 में, फिर 82 में और 1991 में, ये सिर्फ 3 बार बने हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे बंसी लाल रहने वाला है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है कितनी होती है। तो 1 कूलम्ब में जो है 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1018 की जगह हमें इसमें इसको पावर में रखना है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो बनेगा 6.25 × 10⁻¹⁸, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, 10⁻¹⁸ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए पूछा है,
विक्रमादित्य, द्रोणाचार्य, महाराणा प्रताप या एकलव्य, ये भी अभी आपने देखा होगा पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें पुलिस वाले में ये भी, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हमने वो भी पूछा गया था। अब ये देखिए, खेलों में आजीवन योगदान की बात ये पुरुष खिलाड़ियों को हो रही है, तो द्रोणाचार्य तो नहीं होगा, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं उनको दिया जाता है, तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो खेलों में आजीवन योगदान के लिए जो हरियाणा में पुरस्कार दिया जाता है वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक। तो ये वाला सही हो जाएगा, तो एक बार सारे पढ़ लेते हैं कि कौन सा जो है किसमें दिया जाता है। देखिए, द्रोणाचार्य तो हमें पता चल गया, जो प्रशिक्षक होते हैं यानी कि जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। विक्रमादित्य अवार्ड किसको दिया जाता है, विक्रमादित्य अवार्ड दिया जाता है जो रेफरी हो, एम्पायर हो, या जो जज बनते हैं उनको जो है ये दिया जाता है, रेफरी एम्पायर को, ओके। फिर बचा है एकलव्य अवार्ड, एकलव्य अवार्ड किसको दिया जाता है, जो 19 साल से कम आयु के खिलाड़ी, यानी कि जिसको ये बोल दिया जाता है जो जूनियर खिलाड़ी, जूनियर कैटेगरी में आते हैं जूनियर खिलाड़ी, उनको दिया जाता है एकलव्य अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप अवार्ड जो है सही रहेगा, जो कि पुरुषों को खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि अगर जो प्रशिक्षक होते हैं उनको खेलों में योगदान के लिए कौन सा दिया जाता है, तो वहाँ पे द्रोणाचार्य हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे कहा गया है, ए डैश इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डाटा अंटिल इट कैन बी प्रोसेस्ड। मतलब यहाँ पे हमें टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस बतानी है कौन सी है, जो डाटा को तब तक होल्ड करके रखती है जब तक वो प्रोसेस्ड नहीं हो जाता है। कीबोर्ड कंट्रोलर, बफर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए कौन सा इसमें, अस्थाई भंडारण क्षेत्र, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बफर। ए बफर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड डाटा अंटिल इट कैन बी प्रोसेस्ड, ठीक है। तो बफर यहां पे राइट आंसर होगा, ओके। तो बफर हो जाएगा, या इसको आप डाटा बफर भी बोल सकते हैं। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया बिटवीन ए पेरिफेरल डिवाइस एंड द सीपीयू, कि सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया का काम करती है वो, उसे क्या कहा जाता है, ओके। तो वो भी क्या हो जाएगी, बफर। तो डाटा बफर जो है यहाँ पे सही राइट आंसर रहने वाला है, मतलब ये तब तक स्टोर करके रखता है जब तक उसको प्रोसेस ना कर ले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ना भेज दे, ये तब तक उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसको आप डाटा बफर भी बोलते सकते हो या फिर जस्ट बफर भी आप इसको कह सकते हो। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पता ही होगा, जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही चला जाएगा, ओके। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसका काम प्रोसेस करने का होता है, तो ये तो स्टोर करने के लिए यूज़ होगी ही नहीं, तो ये तो प्रोसेसर हो गया, ओके। कीबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है, ये कीबोर्ड नियंत्रक है तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ बफर, तो बफर यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से जो कथन सत्य है वो बताना है, ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है, पहले कथन में कहा गया है, वेट एक मिनट, देखिए, हरियाणा का ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 84.06 था और ग्रामीण महिला साक्षरता दर 65.94% था। इसमें से ट्रू बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नाइदर वन नोर टू। तो यहाँ पे दोनों ही जो है क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, नाइदर वन नोर टू, यानी कि कोई भी जो है इन दोनों में से सत्य नहीं है। इसमें ये जो दिया गया है, हरियाणा का ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर इतनी नहीं थी, मतलब टोटल जो थी ना पुरुष साक्षरता दर वो 84 point something थे, ठीक है। सिर्फ ग्रामीण की नहीं, उसमें फिर शहरी इलाका भी जो है आ ही जाता है, तो उसमें थी ये, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो साक्षरता दर वैसे अगर टोटल देखें पूरे हरियाणा में महिलाओं और पुरुषों की मिलाकर, तो वो थी 75.6%, और पुरुष साक्षरता दर थी सिर्फ ग्रामीण नहीं दोनों के मिलाकर 84.1%, और ग्रामीण नहीं सिर्फ महिला साक्षरता दर थी 65.9%। तो ये यहाँ पे जो दी गई है वो कंप्लीट दी गई है, ना कि ग्रामीण की दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पे नाइदर वन नोर टू जो है करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। फिर आपको पता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है, गुरुग्राम है,
ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला, और गुड़गांव की कितनी है, 84.7% है साक्षरता। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मेवात, वहां की कितनी है, 54.1% है। ओके, तो यहाँ पे नाइदर वन नोर टू करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में हमारे देश में कितने जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे देश में, अगर अभी की बात करते हैं तो राइट आंसर जो हो जाएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। 18 का सी जो है सही होगा, कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा वॉज, तो कौन थी, यहाँ पे हरियाणा की पूछी गई है, तो वो थी शन्नो देवी, शन्नो देवी, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अभी आपको पता है स्टैटिक जीके चल रही है, तो ये टॉपिक अभी हमने किया है, ठीक है, विधानसभा वाला, कि हरियाणा में विधानसभा में क्या क्या जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने जो थे उसमें डिस्कस किए थे। और शन्नो देवी के बाद कौन बना था, राव वीरेंद्र सिंह बने थे। तो अगर प्रथम पुरुष पूछा जाता है तो राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा, अदरवाइज प्रथम महिला पूछे या सिर्फ महिला स्पीकर पूछे तो ये कौन हो जाएंगी, शन्नो देवी हो जाएंगी। तो सी ऑप्शन शन्नो देवी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए डैश कैन कॉपी ए प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट और ए ग्राफिक इनटू द कंप्यूटर मेमोरी फ्रीइंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग द डाटा फ्रॉम स्क्रैच। मतलब इनमें से कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी में टेक्स्ट के लिए एक मुद्रित पृष्ठ या एक ग्राफिक की प्रतिलिपि बना सकते हैं, स्क्रैच से डाटा बनाने से आपको मुक्त कर सकते हैं। तो ग्राफिक देखिए किसमें बनता है, देखिए माइक्रोफोन नहीं होगा, तो जो कट कर सकते हैं आप वो देखिए, माइक्रोफोन नहीं होगा, टच पैड नहीं होगा, टच पैड क्या होता है जिसपे हम मतलब टच करके जो है स्क्रीन को चलाते हैं, तो ये दो तो ऑप्शन यहाँ से पूरी तरीके से कट हो गए। फिर बात आती है ट्रैकबॉल और स्कैनर की, ट्रैकबॉल काम करता है जिस तरीके से माउस काम करता है, तो वो भी नहीं होगा, तो स्कैनर जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैनर करता है प्रिंट, किसको कॉपी, प्रिंटेड पेज ऑफ टेक्स्ट या फिर ग्राफिक, मतलब दोनों को जो है वो क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है, तो स्कैनर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश इज नॉट ओनली अनवांटेड, इट क्लॉग्स योर ईमेल अकाउंटेंट्स एंड यूज इज अननेसेसरी सर्वर स्पेस। मतलब अवांछित और आपके ईमेल खातों को ये रोक देता है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करता है, ड्राफ्ट ईमेल, स्पैम ईमेल्स, रिमाइंडर ईमेल्स या स्पाईवेयर। स्पाईवेयर नहीं होता है, किसी की जासूसी करवाना बिना उसकी परमिशन के वो कहलाता है स्पाईवेयर, तो स्पाईवेयर तो वैसे ही हो जाएगा। रिमाइंडर किसी चीज़ को याद दिलाने से रिलेटेड है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। ड्राफ्ट और स्पैम, ड्राफ्ट ईमेल कौन से होते हैं, मान लीजिए कोई ईमेल हमने टाइप कर दिया एंड देन हम उसको नहीं भेज पाए तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आ रहा है यूज अननेसेसरी, मतलब अवांछित और आपके ईमेल खातों को ये रोक देता है, तो ये स्पैम ईमेल्स होते हैं, अनवांटेड जो मैसेजेस होते हैं उसको हम स्पैम ईमेल्स बोलते हैं, तो यहाँ पे स्पैम सही हो जाएगा। बाकी तीनों मैंने आपको बता दिया, ड्राफ्ट सभी को पता है क्या होता है, स्पाईवेयर हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैम ईमेल करेक्ट होगा। अगला देखिए, द जेनरिक टर्म डैश रेफर्स टू एनी पीसेज ऑफ हार्डवेयर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी एग्जाम में, आपने देखा होगा जेनरिक टर्म पूछा गया था, किससे रिलेटेड है, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन डिवाइस या डाटा। तो जेनरिक टर्म बताया था मैंने आपको, क्या है ये, पीस ऑफ मतलब पीस ऑफ हार्डवेयर किसको कहा जाता है, डिवाइस को, डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, युक्ति हार्डवेयर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ओके, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्चा सरकार वहन करेगी, क्या कहलाती है, मतलब कौन सी स्कीम है जिसके तहत बीपीएल कार्ड वाला जो कोई व्यक्ति है उसकी यात्रा का जो खर्च है वो सरकार देगी, ये किस योजना में है, तो ये योजना है तीर्थ दर्शन योजना, इसके अंडर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए, और एक और याद रखिए, ये जो वरिष्ठ नागरिक है इसमें पूछा जा सकता है कि कितनी एज से ऊपर का, इस तरीके से भी वो क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, तो 60 जो एज है उससे ऊपर का। और अब आती है कि ये योजना जो थी ये कब शुरू की गई, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 मार्च
2017 को जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो थी तीर्थ दर्शन नामक योजना जो थी इसकी घोषणा की गई थी। ओके, इस योजना के अंतर्गत क्या था, हरियाणा के हर जिले से बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा का जो है मौका दिया जाएगा, याद रखिएगा हर जिले से। और ओके, और इस तीर्थ को कराने की जो जो भी जिम्मेवारी है वो किसको सौंपी गई है ये पूछा जाए तो ये सौंपी गई है पर्यटन विभाग को, सॉरी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। ओके, और किन लोगों को मिलेगा, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी ये लाभ सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलेगा, और साथ में क्या होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति होंगे उनके लिए है। इसमें सरकार जो है 70% का जो है सरकार खर्च करेगी और 30% जो है जो व्यक्ति होगा उसको खर्च करना पड़ेगा। तो 70-30 का जो है रेशियो है, यह आपको याद होना चाहिए, 70% खर्च सरकार की तरफ से दिया जाएगा और 30% खर्च उस बंदे का खुद का होगा। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर तीर्थ दर्शन से कुछ पूछा जाता है तो 6 मार्च 2017 को यह आई थी, पर्यटन विभाग इसकी जिम्मेवारी लेगा, 60 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनके लिए है, बीपीएल कार्ड से नीचे वालों के लिए है, साथ में 70% खर्च सरकार की तरफ से और 30% खर्च उस बंदे की तरफ से होगा जो यात्रा पे जाएगा, तीर्थ यात्रा पे। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा तीर्थ दर्शन योजना। चलिए अगला देखिए, देखिए एक और चीज याद रखिए, योजना बेशक 2017 में आई थी लेकिन अभी तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो रट के जाइएगा, 2014 से लेकर 21 तक जो भी योजनाएं आई इनकी कोई भी ये पूछ सकते हैं। जैसे 2014 का क्वेश्चन, सॉरी 15 का था आई थिंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का पढ़ाओ का कि स्टेज पर कौन था, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, बाकी फिर भी ऐसा ही रहता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है इनके में। ओके, चलिए देखिए, विच प्रोग्राम्स फॉर डिजाइनिंग इलस्ट्रेशन और मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स मूवीज और एनिमेशन, कौन से प्रोग्राम उदाहरणों को डिजाइन करने, फोटोग्राफ, मूवी या एनिमेशन में चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं, ग्राफिक, प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया या वेब डिजाइन। देखिए किसका यूज किया जाएगा। ओके, प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन तो देखिए एक अलग चीज हो जाती है, प्रेजेंटेशन तो हम जैसे पावर पॉइंट वगैरह में तैयार करते हैं तो उसमें तो आएगा ही नहीं ये, मींस जिसमें हम डिज़ाइनिंग या मैनिपुलेट करें फोटोग्राफ मूवीज़ और एनिमेशन को, तो ये तो प्रेजेंटेशन तो नहीं होगा, ना ही ये वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन का मतलब क्या है, वेब पेजेस को बनाना, और वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, वेब पेज HTML में बनाए जाते हैं, तो इसमें भी ये काम नहीं होगा। ठीक है, मल्टीमीडिया में सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, एनिमेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से प्रोग्राम उदाहरणों को डिजाइन करने, फोटोग्राफ मूवी या एनिमेशन को बदलने के लिए है, चेंज करने के लिए है सारी चीजों को। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्राफिक प्रोग्राम। ग्राफिक जो ग्राफिक्स आपने पढ़ा होगा, ग्राफिक्स का यूज किया जाता है जो भी फोटोग्राफ होते हैं उनको एनिमेशन में चेंज करना या मूवी में बदलने के लिए। ठीक है, तो वो ग्राफिक्स कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्राफिक्स यहाँ पे सही हो जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, व्हाई द ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीमा, महासमुद्र की जो ऊपरी परत है उसको सीमा भी कहा जाता है, रीजन क्या है उसको सीमा कहने का, ये पूछा गया है इसमें। तो क्या रीजन हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए, पहला है क्योंकि महासमुद्र की ऊपरी परत में मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, सिलिका और मैग्नीज होता है या सिलिका और एल्यूमिना होता है। तो ये देखिए बिल्कुल एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाया गया है, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास इन्हीं में से किसी एक की अगर आप पढ़ेंगे महासमुद्र महासागरों के बारे में, तो उसमें बताया गया है जो ऊपरी परत होती है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनती है और इस कारण उसको सीमा कहा जाता है। तो ये हो जाएंगी सिलिका और मैग्नीशियम होता है जिसके कारण इसको सीमा जो है कहा जाता है, सीमा, सी से सिलिका, मा से मैग्नीशियम। ठीक है, ओके, इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपने देखा ये बात की गई है ओशियनिक क्रस्ट की, यानी कि महासागरीय जो भूपरपट्टी होती है उसकी बात, महासागर की बात की गई है। यही आपसे पूछा जा सकता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या कहा जाता है और वो किस किस से बनी होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कहा जाता है SIAL। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, सिलिका या सिलिकॉन जो भी है, और AL से बन जाएगा एल्यूमिनियम। तो महासमुद्र की नहीं, ये होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो होती है इसमें क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिना होता है, इसीलिए इसको CL के नाम से जानते हैं। तो CL में
सिलिका और एल्यूमिनियम हो जाएगा, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा, सिलिका या मैग्नीशियम। ये महासागर की होती है और ये महाद्वीप की भूपर्पटी होती है, तो दोनों इसमें आपको पता होना चाहिए, ओके। और दोनों में अंतर क्या होता है, जो महासागर की जो भूपर्पटी होती है वो महाद्वीपीय भूपर्पटी से कम मोटी परत होती है, इसमें महाद्वीपीय में उससे ज़्यादा मोटी परत होती है, ठीक है। तो यही इसमें मेन वो होता है, बाकी यहाँ से ये दो चीज़ें ही पूछी जाएंगी आपसे, ये मैंने आपको बता दिया, सीएल और सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड डैश टर्मिनल कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। मतलब कौन सा टर्मिनल है जो कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है बट उसके पास कोई स्टोरेज एरिया नहीं होता है। वीक टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल या फिर पावरफुल टर्मिनल, इसमें बताना है हमें कौन सा टर्मिनल है जो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट इट यूजली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो टर्मिनल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो टर्मिनल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो थोड़ा सा टर्मिनल के बारे में जानते हैं कि टर्मिनल होता क्या है। देखिए टर्मिनल क्या होता है, जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूज़र का मतलब क्या है कि जिन ऑपरेटिंग सिस्टम पर मल्टीपल यूज़र्स काम करते हैं, मीन्स जहाँ पर बहुत सारे यूज़र एक ही कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है टर्मिनल की सहायता से जो है कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और एक कंप्यूटर से क्या होता है, कई टर्मिनल जो हैं जुड़े होते हैं, ओके। तो वो टर्मिनल होता है जिसके द्वारा हम ये कर पाते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो पाता है, ओके। तो यहीं पर आता है टाइप्स ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल जो है ये तीन तरीके का होता है, एक डम्ब टर्मिनल होता है, एक स्मार्ट होता है और तीसरा होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम्ब टर्मिनल जो होता है ये कीबोर्ड और मॉनिटर, इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यूज़र क्या करता है, कीबोर्ड के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन देता है और वो क्या होती है, तुरंत कहाँ पहुँच जाती है, कंप्यूटर के पास पहुँच जाती है, ओके। और कोई भी अगर करेक्टर डिलीट करना चाहे यूज़र, तो उस करेक्टर के पूरे सारे करेक्टर को जो है डिलीट करना होता है, तो इस प्रकार का जो टर्मिनल होता है उसमें क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि मान लीजिए मुझे एक वर्ड डिलीट करना था बट उस एक वर्ड को डिलीट करने के लिए हमें पूरे उसको जो है डिलीट करना पड़ेगा, तो ये डम्ब टर्मिनल होते हैं जिसमें डिलीट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ओके। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, जो इन्फॉर्मेशन देता है वो तुरंत जो है कंप्यूटर पर पहुंच जाती है, इसीलिए इसको डम्ब टर्मिनल बोला जाता है, कि काम एक करना होता है लेकिन दूसरा ही करके आ जाता है ये, ओके। इस तरीके से याद रखिए। फिर आता है स्मार्ट टर्मिनल, ओके। स्मार्ट टर्मिनल में देखिए कीबोर्ड तो होता ही होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन इसके अलावा मेमोरी भी आ जाती है और माइक्रो प्रोसेसर भी आ जाते हैं। अब देखिए कीबोर्ड भी हो गया, मॉनिटर भी हो गया, मेमोरी भी होगी, प्रोसेसर भी, यानी कि प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर है, स्टोरेज के लिए मेमोरी भी हो गई, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कीबोर्ड भी हो गया, और आउटपुट के लिए इसमें क्या चलेगी, मॉनिटर भी होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, जब सारी चीज़ें इसके पास है तो ये क्या कहलाएगा, स्मार्ट टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम कीबोर्ड से इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो तुरंत जो है कंप्यूटर के पास न जाकर क्या होता है, ब्लॉक में कह सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होते, धीरे धीरे जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ओके। तो अगर कोई एरर तब लगती है तब क्या करते हैं, टेक्स्ट के कुछ भाग को उस वक्त हम डिलीट कर सकते हैं, जो हम डम्ब टर्मिनल में नहीं कर सकते थे डिलीट, तो इसीलिए इसको स्मार्ट टर्मिनल बोला जाता है, ओके। तो ये हो जाएगा। आगे आता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इस प्रकार के टर्मिनल में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, एक स्मॉल मेमोरी व एक सेकेंडरी मेमोरी इसके पास होती है, और नहीं इसमें एक मिनट, हाँ ठीक है। इंटेलिजेंट में देखिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ इसमें अच्छी होती हैं, स्मार्ट से भी ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, बट स्टोरेज के लिए जो होता है बहुत कम वो होता है, तो ये स्टोर नहीं कर पाता है, तो इंटेलिजेंट यहाँ भी सही हो जाएगा, ओके। तो याद रखिएगा टर्मिनल जो होते हैं
वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं प्रोसेसिंग पावर। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो कंटेन करे प्रोसेसिंग पावर, यानी कि जिसके पास मॉनिटर और कीबोर्ड होता है। अब डंब टर्मिनल कैसे हो जाते हैं, जिसके पास मतलब कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है। स्मार्ट के पास जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि इंटेलिजेंट टर्मिनल के पास होती है, बट स्टोरेज में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंटेलिजेंट इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। डंब तो होगा ही नहीं वैसे, ये तो होंगे ही नहीं दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फोर्ट इन द ईयर, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1191 में पहला युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड बैटल हुई थी तराइन की। ठीक है, ये भी इन दोनों के बीच में थी, मोहम्मद गोरी दूसरी में जीता था और पृथ्वीराज चौहान जो था ये फर्स्ट में जो था जीता था। ठीक है, तो 25 का सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन KO2 ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, KO2 में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को कितनी उपचयन संख्या जो है दी गई है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा -0.5। कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ईच ऑक्सीजन एटम इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -0.5। तो देखिए इसको निकालने का एक अपना एक तरीका होता है, जैसे इसमें हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि K जो है यहाँ पे क्या है, एक अल्कली मेटल है और KO2 जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ओके, यहाँ पे अब जैसे हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, ओ बताना था, ऑक्सीजन एटम की बतानी ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे हम ओ को एक्स मानेंगे और यहाँ पे जो है हम इसको इक्वल रखेंगे किसके, जीरो के। तो ये हो जाएगा K क्या है, K मीन्स पोटेशियम होता है। ओके, तो यहाँ पे निकालेंगे कुछ इस तरीके से कि 1+2x ये बराबर आ जाएगा किसके, जीरो के इक्वल जो है हम इसको रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है, अब ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली कि K को मतलब 1 क्यों रखा गया है, क्योंकि जो पोटेशियम होता है ये किसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है। ओके, के जो होता है वो +1 के बराबर होता है, तो 1 को हम उधर लेके जाएंगे, 2x = -1 हो जाएगा, x = -1/2, -1/2 मीन्स 0.5, कैसा माइनस का, तो x की वैल्यू जो है कैसे निकल जाएगी, 0.5 यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक प्रोसेसर होता है इसमें पूरा, बट मैंने आपको थोड़ा सा छोटा करके इसमें बता दिया कि किस तरीके से इसको किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज द कंप्यूटर ए PC दैट इज डिजाइन टू सिट ऑन ए डेस्क और टेबल। ओके, जो कहाँ पर रखा जा सके, डेस्क या टेबल पे, तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, नोटबुक, वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप या हैंड हेल्ड। नोटबुक बिल्कुल छोटा सा होता है जिसको आप हाथ में रख सकते हैं, डेस्क पे रखने की जरूरत नहीं है, वर्क स्टेशन नहीं होगा, हैंड हेल्ड नहीं होगा। ओके, क्या बचा, डेस्कटॉप। जब बात डेस्क पे रखने की हो रही है, मेज पे या डेस्क पे, तो ऑब्वियस है कैसा कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कंप्लीट द सीरीज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए इसमें क्या किया गया है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड क्वेश्चन मार्क, 2 और 1, 3, 3 और 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 4, 11, 11, 2, 13, 13 और 4, 17 और 17 और 2, 19, इस तरीके से चल रहा है। ओके, मे भी यहाँ पे दो सीरीज चल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सही कोई नहीं बन रहा है यहाँ पे रूल, तो दूसरी सीरीज हम लगा के देखते हैं, मे भी दो सीरीज यहाँ पे लगाई गई हों। देखिए 2 से 3, 5, 5 और 6, 11, 11 और 6, 17 हो जाएगा ही। तो ठीक है, नहीं ये भी नहीं लग रही यहाँ पे, देखते हैं क्या लगाया गया है। ओके, यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ लगेगा नहीं, सीधा एक प्राइम नंबर्स की सीरीज जो है दी गई है। ओके, 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, यस, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से भाग होती हैं। ओके, तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 होता है अपने आप से, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि 23 सिर्फ अपने आप से भाग होता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। साइना नेहवाल ने डैश में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, किस ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को कट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को कट करके भी बता कर सकते हैं कि साइना नेहवाल ने कब कांस्य पदक जीता था।
ओके देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 2016 की। तो 2016 में तो लंदन में हुआ ही नहीं, हुआ कहाँ पर था, रियो ओलंपिक हुआ था। और रियो ओलंपिक में सिर्फ दो पदक आए थे, एक था कांस्य पदक और दूसरा था सिल्वर। और वो कांस्य पदक किस में आया था, कुश्ती में आया था, जो कि साक्षी मलिक ने जीता था। और एक जो पदक आया था रजत पदक, वो किसने जीता था, पी वी संधु ने जीता था। ठीक है, तो ये दो पदक आए थे 2016 में। ठीक है, 2004 बहुत पुरानी बात हो गई आपको, उसने उस वक्त साइना नेहवाल का नाम इतना नहीं सुना था। ओके, तो 2004 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 2008 में आपको याद होगा अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल, मेन वही था, तो 2008 भी कट हो गया। बचा क्या 2012, तो 2012 के ओलंपिक में जो था साइना नेहवाल ने ब्रोंज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो वर्णानुक्रम में सजाने पर सबसे अंत में आएगा। ओके, सबसे पहले देखिए इसमें हर एक वर्ड में डी आई ए डी आई ए डी आई ए और डी आई ए दिया है, तो फोर्थ लेटर हम चेक करते हैं। यहाँ पर है एल एल, तो इनमें से नहीं, पी और जी। देखिए अब हमें पता है जी सबसे पहले आता है, तो डायगनल तो सबसे पहले आएगा, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। डायगनल के बाद देखिए पी पहले नहीं आता, ओके एल वाला वैसे ही कट हो जाएगा, बचा क्या पी हो जाएगा, क्योंकि एल से मतलब पी से पहले आ जाते हैं एल, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, बी आएगा। तो 30 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, प्रेसिडेंट रूल जो था कब इम्पोज किया गया था हरियाणा में पहली बार, 10 अप्रैल 1969। देखिए 65 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि हरियाणा नहीं बना था। ठीक है, अब तीन ऑप्शन बचते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर 1967। ओके, एक और चीज़, अपनी ही वेबसाइट पे ये 2 नवंबर भी आपको दे रहे हैं कहीं कहीं पर कि 2 नवंबर को लगा था, और कहीं कहीं पर 21 नवंबर आ रहा है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन में एक ही देंगे वो आपको, या तो 2 नवंबर या 21, तो 21 नवंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। 1967 में जो था पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, टोटल 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1977 में लगा दूसरी बार 10 साल बाद, और तीसरी बार लगा था 1991 में। ओके, पहली बार जब लगा था उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे ये पूछा जा सकता है, मतलब उसके बाद ही लगा था, तो राव वीरेंद्र सिंह थे, देन उसके बाद जो था राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राजनीतिक हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो देखिए आप स्टैटिक जी के जाके देख सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमने कवर करवाए हैं, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ साथ बताए हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हरियाणा के राजनीतिज्ञ और भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था चौधरी देवीलाल ने। ठीक है, और चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं, दो बार बने हैं। ठीक है, और साथ में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो इन्होंने कार्य किया है, तो 32 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिए, दोनों ही बार जो थे ये अपना पूरा मतलब कार्यकाल ये पूरा कर नहीं कर पाए थे। कार्यकाल कितना होता है मुख्यमंत्री का, 5 साल का होता है, तो ये पूरा नहीं कर पाए थे। लास्ट जो रहा सेकेंड वाला, वो सिर्फ 2.5 साल तक की जो थे मुख्यमंत्री रहे थे, पहले वाला भी ये पूरा नहीं कर पाए थे। तो चौधरी देवी, क्योंकि उसमें वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, और दूसरे वाला वैसे खत्म हो गया, तो चौधरी देवीलाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड डैश बिकॉज दे आर अमंग द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर क्रिएटेड फॉर पीपल टू यूज़। निजी कंप्यूटरों को किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए बनाए गए सबसे छोटे कंप्यूटर। देखिए पर्सनल कंप्यूटर में आपके सारे आ जाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या फिर नोटबुक है, पाम टॉप है, हैंड हेल्ड है, सारे के सारे जो होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर में आप इनको बोल सकते हो, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इसमें आप देखिए, इसमें माइक्रो कंप्यूटर तो वैसे ही नहीं होंगे। ओके, इसमें देखिए माइक्रो, नानो, मिनी और माइक्रो, 4 दिए गए हैं। तो देखिए जो जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है वो कौन से हो जाएंगे, वो होंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, मैक्रो नहीं होंगे, माइक्रो कंप्यूटर होंगे। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मैक्रो और नैनो तो वैसे ही नहीं आते हैं, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर आते हैं मेनली, तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर पर्सनल कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको बताया सारे आ जाते हैं, पीसी में डेस्कटॉप कंप्यूटर हो ये भी पर्सनल कंप्यूटर में आ जाएगा, या फिर पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, या और क्या हो सकता है, लैपटॉप है, नोटबुक है, पाम टॉप है, ये सब किस में चले जाएंगे, ये सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर ही हैं हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू ISFR 2019। ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव कवर है।
तो कहाँ पर है सबसे मैग्रोव वन, कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं सुंदर वन जिनको हम बोलते हैं, वही मैंग्रोव वन है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। द डैश कीज आर कोल्ड मोडिफायर कीज, यहाँ पे रूपांतरण कुंजियाँ कौन सी है मोडिफायर, मोडिफाई करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ई एस सी, कंट्रोल आल्ट डिलीट, ऑल्ट शिफ्ट एंटर। ओके, देखिए कौन सी कीज़ होती हैं मॉडिफायर कीज़। देखिए ई एस सी से हम कुछ मॉडिफाई नहीं करते, जो हमारी विंडो ओपन होती है उसको हम डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं, शिफ्ट और कंट्रोल या आल्ट, ये तीनों हमारी क्या हैं मॉडिफायर कीज़ हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं मॉडिफाई करते हैं, रूपांतरण के लिए यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिलीट तो वैसे ही नहीं होती है, एंटर भी नहीं होगी, ठीक है, तो शिफ्ट और कंट्रोल हो जाएंगे, और डिलीट सॉरी शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट ये जो होती हैं ये मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए कीज़ अलग अलग तरीके की होती है, जैसे टाइपिंग कीज़ होती है, टाइपिंग कीज़ या इसको आप अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में देखिए क्या क्या आता है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्फा में अल्फाबेट भी होंगे, न्यूमेरिक है तो नंबर भी आ जाएगा, और बाकी के जो सिंबल बन जाएंगे वो भी सारे जो आप अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में रख सकते हैं, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती है। दूसरी होती है कंट्रोल कीज़, कंट्रोल कीज़ कौन सी होती है, कंट्रोल कीज़ होती हैं जिसको कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है यूज़ टू परफॉर्म एक्शंस, जैसे कंट्रोल प्लस हम करते हैं ना, मतलब कंट्रोल को प्रेस करके कुछ भी दबाते हैं, या कंट्रोल प्लस ए किया तो पूरे को सिलेक्ट कर दिया, यानी कि कॉम्बिनेशन से हम कर रहे हैं किसी की के साथ, तो वो कंट्रोल कीज़ होती है। तो वो हम किस किस से करते हैं, कंट्रोल से करते हैं, ऑल्ट से करते हैं, और ई एस सी हो गया, या एक लोगो की बना रहता है ना इस तरीके से विंडो का कुछ कुछ इस तरीके से चार वो बने होते हैं, तो इस ये जो होती हैं ये हमारी कंट्रोल कीज़ होती है जिसको हम कॉम्बिनेशन से यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं, टोटल कितनी फंक्शन कीज़ होती है कीबोर्ड में, 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। ये क्यों यूज़ किए जाती हैं, फंक्शन की यूज़ की जाती है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच कीज़ आर यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, तो वो हो जाएंगी फंक्शन कीज़। ठीक है, अगली जो यहाँ पे आती है नेविगेशन कीज़ आती हैं। नेविगेशन कीज़ क्यों यूज़ की जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स पे मूव करवाने के लिए जो है इनका यूज़ करते हैं, या टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, जैसे नेविगेशन कीज़ में हो जाती हैं, आपने चार एरो देखे होंगे, पेज अप, पेज डाउन, लेफ्ट राइट, ये सारी किस में होती है नेविगेशन कीज़ में होगी, या फिर डिलीट हो गई, इंसर्ट हो गई, ठीक है, होम हो गया, एरो कीज़ हो गई, ये सारी की सारी नेविगेशन कीज़ होती हैं। ऐसे ही न्यूमेरिक कीपैड, सबको पता है नंबर्स जिस पे होते हैं वो न्यूमेरिक कीपैड होता है, तो बस ये सारी जो है हो जाएंगी, और ये मॉडिफायर की होती हैं शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, भारतीय संविधान का संशोधन जिसे दल बदल विरोधी संसाधन के रूप में जाना जाता है, कौन सा था, 52nd, 24th, 42nd, 62nd। तो दल बदल जो संशोधन हुआ, विरोधी संशोधन हुआ, ये किस उसके तहत हुआ था, किस अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो ये हुआ था 52वें, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट। देखिए 42वां सबको आपको पता होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें तीन वर्ड जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, ये तीन वर्ड जो थे मिनी उसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना में। दूसरा मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कि ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए, तो ये भी जो थे 42nd अमेंडमेंट। फिर क्वेश्चन आता है 42nd अमेंडमेंट हुआ कब था, तो 1976 में हुआ था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इनको जाना ही जाता है। तो ये तीन चार क्वेश्चन 42 से आप याद रखिए। फिर यहाँ पे 52nd जो है ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है दल बदल जो है ये किस अनुसूची में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस अनुसूची में जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची में, ठीक है, दल बदल संबंधी जो भी चीज़ें थी किस अनुसूची में मिलेंगे आपको, 10वीं अनुसूची में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन जो था फर्स्ट अमेंडमेंट, वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, और इसी के द्वारा क्या जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो थी जोड़ी गई थी, ठीक है, 9वीं अनुसूची जो थी इसमें जोड़ी गई थी। साथ ही भूमि अधिग्रहण और भूमि सुधार से जो संबंधित उपबंध थे वो भी जो थे 1951 के द्वारा जोड़े गए थे, तो ये दो जो थे 1951 में थे। बट मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही आता है कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में, और 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो 1991 जो पहला संशोधन हुआ था उसके तहत, ठीक है।
इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है संशोधन से रिलेटेड 42 में मैंने आपको जो बता दिया है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्य को भी इसी के तहत जो था जोड़ा गया था। ठीक है, 44वां आप सभी को पता है, जो संपत्ति रिलेटेड जो मौलिक अधिकार था उसको खत्म करके उसके क्या बनाया गया था, विधिक अधिकार बनाया गया था। और 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ओके, इसके अलावा 52वां संशोधन हो गया, दल बदल से है ये, और ये कब हुआ था, 52वां भी पूछ सकते ना आपसे, तो 1985 में हुआ था। ये आ चुका है क्वेश्चन कि दल बदल जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है, 61वां संशोधन, ये किससे रिलेटेड था, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। और 61वां संशोधन हुआ कब था, 1989 में हुआ था। ओके, इसके अलावा एक और आता है, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जो दिल्ली को राजधानी बनाने से संबंधित है, वो 69वां है। और 69वां कब हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। 73वां 74वां सबको पता है, 73वां पंचायती राज से था और 74वां जो शहरी निकाय थे उनसे संबंधित था। 73वां कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और 74वां भी जो था 1992 में ही हुआ था। ठीक है, 1992 में। ओके, तो मेनली ये आपको पता होने चाहिए। एक 101वां संशोधन पूछा जाता है, तो वो जीएसटी से रिलेटेड है, ये आप सभी को पता है। 92वां अनुसंशोधन कौन सा था, 92वां, जिसके द्वारा जो थी संविधान में जो 8 भाषाएं थी उसमें, मतलब जो संविधान में भाषाएं थी, मतलब संविधान में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी लास्ट वाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 92वें संशोधन के तहत जो थी इसमें जोड़ी गई थी। 18 भाषाएं हो गई थी, तो इसको मिलाकर 4 भाषाओं को कितनी भाषाएं, अभी 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। तो ये सारे पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डैश स्टोर डाटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ डिस्क एंड ईच साइज हैज इट्स ऑन रीड राइट हेड। तो मतलब कौन सी स्टोर मतलब कौन सी डिस्क है जिसमें हम दोनों तरफ जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ रीड राइट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्केट स्टोरेज, डिस्केट, फर्स्ट ऑप्शन डिस्केट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला देखिए। ऑफ द 3 नंबर्स द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इज 45। 3 संख्याओं में पहली 2 का योग 45 है, दूसरी और तीसरी का 55, तीसरी और पहली के तीनों का योग 90 है। ओके, तीसरी संख्या क्या है, तो ए बी सी 3 संख्याएं मान के चल सकते हैं आप। ए प्लस बी, इन 2 का योग कितना है, 45 है। बी प्लस सी का कितना है, 55 है। सॉरी एक मिनट, पहली 2 का योग 45, दूसरी और तीसरी का 55, ठीक है। और तीसरी और पहली यानी कि ए प्लस सी का जो 3 गुना है ये बराबर है किसके, 90 के। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करनी है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a प्लस सी कितना आ जाएगा, 90/3, 30 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें किसी ना किसी को कट करके जो है वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे मुझे c की निकालनी है तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू रख सकती हूँ, ए की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस बी, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा 30 माइनस 45। ठीक है, फिर बी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी 55 माइनस सी, तो बी में ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सिंपल, माइनस 55 और प्लस सी इक्वल टू 30 माइनस 45, यहाँ पे हो जाएगा -15। ठीक है, 2c 15 प्लस 55 70 और 35। देखिए दोबारा देखते हैं, 3 संख्याओं में पहली 2 का योग दिया यानी कि a प्लस बी इक्वल टू है 45, फिर b प्लस सी जो है 55 है, और तीसरी और पहली के तिगुने का योग, तो इसके तिगुने का योग देखेंगे हम, तो a प्लस सी रहेगा और 3 गुना उधर जाकर 90/3 होगा, तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ से हम, मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, और ये इक्वल टू आएगा किसके, 5 5 10 की 0, 1 5 4 9 और 10 3 13, 130। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 130/2, मीन्स 2 6 12 2 5 10। अब मुझे यहाँ से सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, तो मैं c को इधर रखूँगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 45 थी, तो 65 में से 45 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क।
निर्देशों का जो समूह होता है, कौन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन? सॉफ्टवेयर होता है, ओके। क्योंकि डाटा क्या होते हैं, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है डाटा। हार्डवेयर जिनको हम देख और टच कर पाते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वो हार्डवेयर हैं। तो इसमें तो इंस्ट्रक्शंस का काम ही नहीं होता है। अब बचा प्रोसेस, प्रोसेस क्या होती है? नहीं एक मिनट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर और प्रोसेस बोला है, हाँ तो हाँ सॉफ्टवेयर रहेगा, प्रोसेस अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, जब कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो जब प्रोग्राम हमारा जब एक्टिव मोड में होता है उसको बोला जाता है प्रोसेस, यानी कि जब उस प्रोग्राम के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। एक्टिव जब होता है प्रोग्राम तो उसको हम प्रोसेस बोलेंगे। अगर कोई प्रोग्राम हमने बनाया और उसको अगर मैं स्टोर करके रख दूँ, ठीक है, तब हमारा वो प्रोसेस नहीं होगा, वो हमारा तब प्रोग्राम ही रहेगा। यानी कि जब वो पैसिव फेज में होगा तो अब हम तब हम उस कोड को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम बोलेंगे। और वही कोड जब हमारा एक्टिव में एक्टिव है, काम कर रहा है उसके द्वारा हम, तो वो हमारी प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। एक्टिव क्वांटिटी मतलब एक्टिव होता है प्रोसेस हमारा, ओके। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर इसको आप सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में बताना है कि कौन से कथन हैं जो यहाँ पर सही दिए गए हैं। उसे 2006 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह आपका राष्ट्रीय संयोजक है और एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से सही बनेंगे, आम आदमी पार्टी का है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 तो वैसे ही यहाँ से कट हो गया ये, ओके। अब बचे या तो 1 और 2, 2 और 3 या ऑल ऑफ दी, वो तीनों ही सही हैं। अब इसमें देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड इसमें भी आया है, सेकंड इसमें भी आया है, बट ही वॉज अवॉर्डेड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2006। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि उन्हें 2006 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो था सम्मानित किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट भी सही है, सेकंड भी, तीसरा गलत है क्योंकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर नहीं थे, वो आईटी डिपार्टमेंट में थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इंडियन रिवेन्यू सर्विस से रिलेटेड थे, ज्वाइंट कमिश्नर थे वहाँ पे, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर वो नहीं थे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही रहेंगे, ठीक है। और जैसे अभी पुलिस में आया था अरविंद केजरीवाल का संबंध हरियाणा से है, तो बिल्कुल उनका जन्म हरियाणा में ही हुआ था और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वो पॉइंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए रिलेशन का क्वेश्चन है, रिया की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, नितिन ने रिया की ओर इशारा करते हुए कहा मैं कि नितिन उसकी माँ, रिया की जो माँ है उसके पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ। तो रिया का नितिन से क्या संबंध है, तो रिया उसकी क्या लगी, बुआ लगी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बुआ सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिया का पूछा नितिन से संबंध, तो रिया उसकी बुआ हो जाएगी, आंट जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, ए डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, इट इज सिंपली एन इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट फंक्शन एज ए विंडो ऑन टू ए कंप्यूटर लोकेटेड समवेयर एल्स। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो कीबोर्ड और मॉनिटर का कॉम्बिनेशन होता है, जस्ट आप देख सकते हो सिर्फ इसमें इनपुट आउटपुट होती है, कोई प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं होती इसमें, ठीक है ना, मतलब ना कोई माइक्रो प्रोसेसर होता है ना मेमोरी होती है। तो ये कौन सा टर्मिनल था, ये था डंब टर्मिनल, ठीक है, डंब टर्मिनल यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, ए पॉपुलर टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हैंड हेल्ड प्रकार का मतलब जो हाथ में रखा जा सके, जिसको हाथ में रख के हम यूज करते हैं, कौन सा है, पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। पीडीए की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया क्या होता है, एक तरीके का पीसी ही होता है, प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम्स बिलोंगिंग टू हरियाणा। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला, जिन्होंने जो रियो में हुए थे पैरा ओलंपिक, उनमें जो था पदक जीता था सबसे पहले, तो वो कौन है, दीपा मलिक हैं। तो दीपा मलिक जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरा ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो ममता खरब तो वैसे ही नहीं होंगी, सीमा पुनिया भी नहीं होंगी और गीतिका जाखड़ भी नहीं होगी, क्योंकि वो ओलंपिक खेलों से बिलोंग करती हैं, और दीपा मलिक ओनली जो पैरा ओलंपिक खेलों से बिलोंग करती हैं, और वो हरियाणा की पहली महिला थी जिन्होंने मेडल जीता था, ठीक, ओके। चलिए
इसके अलावा पूछा जा सकता है कि दीपा मलिक ने पदक कौन सा जीता था, तो रजत पदक जो था जीता था। किस खेल से संबंधित है, तो शॉटपुट से संबंधित है। ये शॉटपुट में इन्होंने रजत पदक जो था जीता था। 4.61 मीटर तक जो था इन्होंने गोला फेंका था और दूसरे स्थान पर ये रही थी और ये पहली महिला थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बैंसवाल सोनीपत हरियाणा से जो है ये बिलोंग करती हैं, बैंसवाल सोनीपत से। और अभी प्रेजेंट में क्या क्वेश्चन आ सकता है इनका कि जो भारतीय पैरालंपिक समिति की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो दीपा मलिक को ही जो है भारतीय पैरालंपिक्स की जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और पहला पैरालंपिक हुआ कहाँ पर था, रियो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस बार का टोक्यो में हुआ था। चलिए, एक आपकी आवाज़ या संगीत को आंकड़े के रूप में आगत करने में जो सक्षम होता है वो कौन सा होता है, क्या पूछा गया है। इट डैश अनेबल यू टू इनपुट योर वॉइस और म्यूजिक एज डाटा, मतलब आपकी वॉइस और म्यूजिक किस में जाता है, डाटा के फॉर्म में जाता है, किस में होगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर या माइक्रोफोन। तो देखिए आप यहाँ पे वैसे भी ऑप्शंस को कट कर सकते हैं। कीबोर्ड नहीं होता है, कीबोर्ड से आपकी साउंड थोड़ी जाती है, माउस से नहीं, मॉनिटर से नहीं जाती, स्कैनर से नहीं जाती, माइक्रोफोन से जाती है। मॉनिटर क्यों यूज़ करती हैं, आउटपुट को शो करने के लिए। स्कैनर क्यों यूज़ की जाती है, जो भी टेक्स्ट होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, स्कैन फॉर्म आप बोल सकते हैं, या कीबोर्ड जो होता है इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। बचा हमारे पास माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ही है जिसके द्वारा हम वॉइस को भेजते हैं। तो माइक्रोफोन अनेबल यू टू इनपुट योर वॉइस और म्यूजिक एज डाटा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले प्लस अगर मैं रखूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 2 + 6 = 8, माइनस 4 * 3 = 12, यहाँ पे देखिए 8 और 3 = 5, 5 + 2 = 7 नहीं आ रहा, 11 आना चाहिए। फिर माइनस को रखते हैं, 2 - 6 - 12 / 4 + 2 = 11, देखते हैं 4 * 3 = 12। ठीक है, ये हो जाएगा 6 * 3 = 9, और यहाँ पे 9 * 2 = 4 नहीं, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन रहा। फिर मल्टीप्लाई को रखते हैं, तो 6 * 2 = 12, 4 * 3 = 12 + 2, 3 - 2 = 1, 12 - 1 = 11, ये वाला बन रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ जाएगा 46 का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, वेयर मैनी पीपल फ्रीक्वेंटली नीड टू यूज द सेम डाटा। आपके पेपर में आया हुआ था, अभी पुलिस का पेपर दिया होगा और पेपर वैसे भी आपने देखा होगा, तो कौन सा यूज करती है, ये मैं पहले ही आपको बताई थी, जो बिग कंपनीज वगैरह होती हैं, इंस्टीट्यूट होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर किसका यूज करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे यूज हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स जो है ये अलग हो जाते हैं, सुपर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट और बड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, बोनल झील, भरतपुर पक्षी, सलीम अली या सुल्तानपुर। सलीम अली नहीं है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगी, तो गुरुग्राम में कौन सा है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और दिया गया है, भरतपुर पक्षी विहार, भरतपुर पक्षी या इसको क्या बोलेंगे, बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे हो जाएगा, भरतपुर राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क वहीं पर है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में ही है, तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी पूछा जाए या केवलादेव नेशनल पार्क पूछा जाए, दोनों ही कहाँ हैं, राजस्थान में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, और बोनल बर्ड सेंचुरी, बोनल लेक बर्ड सेंचुरी ये हो जाएगा, कर्नाटका में। ठीक है, बोनल झील भी बोल देते हैं, बोनल बर्ड सेंचुरी भी इसको डायरेक्ट बोल दिया जाता है, तो बोनल वाला कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में, भरतपुर या केवलादेव आपसे पूछे तो राजस्थान में, सुल्तानपुर गुरुग्राम में, और सलीम अली जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, द ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश एट डैश ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी ये 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर की गई थी, तो शिमला में की गई थी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले लाहौर में थी जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद इसको कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया, शिमला में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उच्च न्यायालय को शिमला कब स्थानांतरित किया गया था, तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्थानांतरित नहीं किया गया था,
15 अगस्त 1947 को शिमला में की गई थी इसकी स्थापना, बिल्कुल सही है, शिमला में की गई थी लाहौर से। फिर क्वेश्चन आता है कि शिमला से उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया था, तो यह किया गया था 17 जनवरी 1955 को। ठीक है, तो तीन डेट आपको याद रखनी है। 1919 में स्थापना हुई थी, कहां पर, लाहौर में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को शिमला में स्थापित किया गया आजादी के बाद, और एंड देन उसके बाद 17 जनवरी 1955 को उच्च न्यायालय को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था, चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसमें जो है, जब ये 1947 को बनाई गई तो इसके अंडर में कौन कौन से आते थे राज्य, शिमला के अंडर में पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और दिल्ली, ये जो थे इसी के अंडर में आते थे तीनों के तीनों। ठीक है, पंजाब हरियाणा के साथ ही था तो हरियाणा तो ऑब्वियस है, होगा ही। ओके, बाकी आप स्टैटिक जीके में ये टॉपिक करा दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से बन सकते थे वो सारे हमने इससे रिलेटेड कवर किए हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। वेट, चलिए अगला देखिए। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है, केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में, ओम प्रकाश जिंदल, सुषमा स्वराज, स्वराज कौशल या स्वरूप सिंह, तो कौन से शिक्षाविद है जिसने केरल और राज्यपाल के रूप में काम किया है, सॉरी केरल और राज्यपाल ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश जिंदल। ओके, सॉरी स्वरूप सिंह हो जाएगा, जो केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने काम किया है। ठीक है, स्वरूप सिंह जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। डैश आर द एम्प्टी स्पेस अलोंग द लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऑफ ए पेज, मतलब किसी पेज के टॉप में बॉटम में लेफ्ट और राइट में जो जगह बचती है इसको क्या कहा जाता है, इंडेंट, टेबल या मार्जिन। तो देखिए, टेबल तो इसको बोलते नहीं, टेबल तो बनती है रो और कॉलम से। ठीक है, अब बचते हैं या तो इंडेंट या फिर इसको मार्जिन, तो इसको बोला जाता है मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन होता है, इंडेंट अलग चीज़ हो जाती है। तो मार्जिन आर द एम्प्टी स्पेसेस अलोंग द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पेज। ठीक, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये देखिए सबको पता होगा, हरियाणा में जो बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए जो दिया जाता है वो है भीम अवार्ड। ठीक है, भीम अवार्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, और भीम अवार्ड जो है हर वर्ष कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है, प्रतिवर्ष 5 खिलाड़ियों को जो है इसमें इसको दिया जाता है, और लगभग जो है 5 लाख राशि जो है भीम अवार्ड के तहत जीत आती है सर्वोच्च पुरस्कार हरियाणा का। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराणा प्रताप अवार्ड, ये हमने पढ़ा था, पहले आ चुका है, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है, और इसमें जो है 2 लाख रुपये की राशि जो है महाराणा प्रताप अवार्ड में दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है, ये जीवन भर जो महिला खेलों में योगदान देने के लिए, महिलाओं मतलब जो पुरुष के लिए जीवन भर के लिए होता है वो महाराणा प्रताप है, और जो महिला खिलाड़ी के लिए होता है जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई होता है। राशि सेम होती है दोनों की ही, 2 लाख रुपये। ठीक है, और इसके अलावा गुरु वशिष्ठ अवार्ड भी है यहाँ पे, गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो है ये खेल प्रशिक्षक यानी कि कोच को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक या कोच को जो है इसको दिया जाता है, इसमें भी 2 लाख रुपए की जो है राशि दी जाती है। एक हमने एकलव्य अवार्ड पढ़ा था, एकलव्य अवार्ड भी हर वर्ष जो है ये 5 लोगों को दिया जाता है, किन को दिया जाता है, जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है उनको दी जाती है। इसके अलावा विक्रमादित्य अवार्ड भी हमने पढ़ा था, विक्रमादित्य अवार्ड जो है ये किसको दिया जाता है, रेफरी, अंपायर या जज को दिया जाता है, इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि जो है इसको दी जाती है। एक डॉक्टर राधाकृष्णन अवार्ड है, ये पीटीआई या डीपी जो होते हैं उनको दिया जाता है राधाकृष्णन अवार्ड, अगर आपसे पूछा जाता है तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ओके, तो बस ये हो जाएगा, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा था इन्होंने तो भीम अवार्ड हो जाएगा। अगर यही भारत में पूछता कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है तो राजीव गांधी खेल रत्न है, लेकिन अभी उसका नाम चेंज हो गया है, ये भी आपको पता होगा, मेजर ध्यानचंद जो है उसका नाम कर दिया गया है अब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरुष, खेल रत्न अवार्ड, सॉरी पुरुष नहीं, खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब ये नाम हो गया है उसका, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नाम बदल कर क्या किया गया, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे भीम अवार्ड जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनको मेल करना था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, वास्कोडिगामा का भारत पहुँचना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और पानीपत का पहला युद्ध। बहुत ईजी है, वास्कोडिगामा जो था पहला 1498 में पहुँचा था भारत,
ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। फर्स्ट बैटल जो था ये 1526 में हुआ था, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर 1556 में, तो दूसरा युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड देख लीजिए किसमें है, दो ऑप्शन इस तरीके के बन रहे हैं, तो राइट आंसर जो होगा 53 का ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड का ए बन रहा है यहाँ पे, सेकंड का ए बिल्कुल सही है, थर्ड का फिफ्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ओके हाँ ये हो जाएगा, फोर्थ का टू हो जाएगा, ओके। चलिए 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध था, सेकंड बैटल थी पानीपत की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स और पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे देमसेल्फ मे नॉट मेक मच सेंस टू ए पर्सन, व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता जो स्वयं के द्वारा व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में, अभी पुलिस के एग्जाम में आपको देखने को मिला था, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन यहीं से उठाए गए थे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन जो थे प्रीवियस जो ये है 8th month में हुए थे, 8th month लास्ट कौन सा था, 8वां महीना उसमें हुए थे हरियाणा के पेपर, उन्हीं से जो है आपका डिट्टो पेपर आया था, ओके। तो डाटा कंसिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, डाटा जो है राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, इंडिविजुअल फैक्ट्स की बात की गई है तो डाटा होता है इंडिविजुअल फैक्ट्स पूछे, रा फैक्ट्स पूछे, डाटा का आ जाएगा। सम मेमोरी चिप्स रिटेन द डाटा दे होल्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, दिस टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड, ओके। कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जब डाटा ऑफ हो जाता है, पावर ऑफ हो जाती है, तो भी उसमें डाटा ऐसे के ऐसे होल्ड करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं, स्थाई मेमोरी बोला जाता है ना उनको, परमानेंट मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी कैसी होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, तो बी ऑप्शन नॉन वोलाटाइल हो जाएगा, अपरिवर्तनशील, ओके। वोलाटाइल कौन सी होती है, जो अस्थाई मेमोरी होती है, जिसको हम टेम्परेचर मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी। इरेजेबल वो होती है जिसको हम इरेज कर पाए, नॉन इरेजेबल जिसमें हम इरेज नहीं कर पाए, तो ये तो दो होंगी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इन एनी विंडो एप्लीकेशन ए डैश शोज यू वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपियर एज यू टाइप, मतलब किसी विंडो के अनुप्रयोग में एक आपको दिखाता है कि अगला अक्षर कहाँ आएगा और जब आप टंकन करेंगे, ओके मतलब जब आप टाइप करेंगे, हॉरिजॉन्टल बार, डायगनल बार, ब्लिंकिंग बार या डॉटेड लाइन, तो इनमें से कौन सा दिखाता है, तो ये हो जाएगा ब्लिंकिंग बार। ठीक है, ब्लिंकिंग बार का मतलब क्या है कि एक छोटा सा बार आपको दिखेगा, वो आपको इस तरीके से ब्लिंक होता दिखाएगा कि जब जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है, ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा कि आपको जो लिखना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लीजिए आपको इस एक लाइन में लिखना था लेकिन वो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप पहले उसको वहाँ लेके जाएंगे, अदरवाइज वो इसी लाइन में लिखना शुरू करेगा। ठीक है, तो वो ब्लिंक बार होता है, तो ब्लिंकिंग बार यहाँ पर करेक्ट आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके देखिए क्वेश्चन है, ए बुलेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 meters per second can just penetrate two planks of equal thickness, the number of such planks penetrated by the same bullet when the velocity is doubled will be, ओके। यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, बुलेट 100 मीटर सेकंड की गति से समान मोटाई के दो फलकों के बीच घुस सकती है, यदि उसी बुलेट की गति को हम क्या कर दें, दुगना कर दें, तो फलकों की संख्या कितनी होगी जिनमें वो घुसेगा, ओके ओके। यहाँ पे बात करिए मूविंग की, यानी कि हम इक्वेशन किसकी पुट करने वाले हैं, मोशन की इक्वेशन को पुट करेंगे, और इक्वेशन क्या होती है मोशन की, वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2as हो जाएगा। अब यहाँ पर वी जो है, वी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है, ठीक है, तो v स्केयर इक्वल टू जीरो है, तो u स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, 2as के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे ये रखी जाएगी। ठीक है, और u जो हमारा s होता है, यहां पे जो s दिया है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, u स्केयर के। ठीक है, यानी कि s1 s2 इक्वल टू बराबर होते हैं u1 स्केयर और u2 स्केयर के, तो ये प्रोपोर्शनल होता है, s जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है u2 के, तो यहां पर s2 जो है कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, तो U का स्केयर कर रहे हैं, तो 200 का स्केयर हो जाएगा अपॉन में 100 का स्केयर इनटू में 2। ठीक है, 2 प्लैंक्स थे क्योंकि, तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो 200 इनटू 200 बाय 100 इनटू 100, 0 से 0, 0 से 0, इनटू में 2 था, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका निकलेगा, 8। ठीक है, 8 प्लैंक्स जो हैं राइट आंसर यहाँ पे आएंगे, ओके। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखिए यहाँ पे क्यों चीज़ें ली गई, पहले तो मैं हमने मोशन की इक्वेशन ली, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अब यहाँ पे u जो था ये दिया गया है 100 ms-1। ठीक है, अब इसने कहा कि वो पेनिट्रेट होता है, जब पेनिट्रेट होता है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो v इक्वल टू जीरो होगा, तो v स्क्वायर भी हमारा जीरो ही हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ u स्क्वायर इक्वल टू 2as बचेगा।
अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू के। इस एस को अगर मैं दो तरीके से लिखूँ, एस को मैं एस वन भी ले रही हूँ, एस टू भी लिख रही हूँ, इसी तरीके से यू वन हो जाएगा और यू टू हो जाएगा। और अगर मैं इसका स्केयर लूँगी तो यू वन का स्केयर यू टू का स्केयर जाएगा। ओके, यू वन क्या है मुझे पता है 100 है, और यू टू क्या हो जाएगा 2u1 लिखेंगे हम इसको, 2u1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 100 दूनी 200, इस तरीके से ये जो है आ जाएगा। और 2 तो था ही, फिर 2as करके, तो 2 जो है यहाँ पे साथ में आ जाएगा। और 2 से सॉरी वेट क्या किया, ओके स्केयर करना है क्योंकि यू वन स्केयर यू टू स्केयर आ जाएगा ना यहाँ पे, तो इनका होल स्केयर हम करेंगे तो 100 गुना 100 और 200 into 200 इसको पलट दिया जाएगा। ओके देन ये हमारा 8 जो है राइट आंसर यहाँ से निकलेगा। सिर्फ मोशन की इक्वेशन इसमें लगाई है तो 8 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ये कोई भी दे सकते हैं, इसमें साइंस करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस में आए हैं जस्ट वही आप कर लीजिए, उसके अलावा ज़्यादा मत कीजिए, मतलब सिंपल सिंपल कर लीजिए। बायो कर सकते हैं, फिजिक्स कर सकते हैं, सॉरी केमिस्ट्री कर सकते हैं। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, न्यूमेरिकल्स दे रहा है, उसके अलावा फिजिक्स में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर जो हैं सर्वाधिक बार रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा है हरमिंदर सिंह चड्ढा 3 बार रहे थे, ठीक है, तो यही रहे हैं, 3 बार रहे हैं। और सबसे कम कार्यकाल पूछा जाए तो किसका रहा है, राव वीरेंद्र सिंह का रहा है, कितने दिन रहा है, 16 डेज रहा है। ठीक है, यही था ना राव वीरेंद्र सिंह का, तो 16 डेज जो है आ जाएगा। चलिए सबसे कम कार्यकाल रविंद्र सिंह का, और शन्नो देवी जो थी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की, तो हरमिंदर सिंह चड्ढा 58 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज यूजुअली ए पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर विद स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट देन अनेबल इट टू फंक्शन एज द प्राइमरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क, मतलब एक विशेष तरीके का सॉफ्टवेयर है जो एक शक्तिशाली निजी कंप्यूटर जो नेटवर्क में प्राथमिक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने में इसे सक्षम बनाता है, तो कौन सा बनाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट नहीं बनाता, हैंड हेल्ड नहीं बनाता, तो क्या बनाता है, ये बनाता है नेटवर्क सर्वर ना वर्क स्टेशन बनाते हैं। ठीक है, नेटवर्क सर्वर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो नेटवर्क सर्वर यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, द लार्जेस्ट दैट कैन हैंडल द प्रोसेसिंग नीड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट एनी गिवन मोमेंट, एक ही टाइम पे जो है हजारों प्रयोगताओं की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को जो संभाल सकता है वो कौन सा कंप्यूटर है, तो वो हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी ऑप्शन जो है मेन फ्रेम यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक डैश एक कंप्यूटर को बताती कि इसके घटकों को कैसे जो है प्रयोग किया जाए, टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ऑन कंपोनेंट, एप्लीकेशन यूटिलिटी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो बताती है कंपोनेंट्स को कि किस तरीके से काम किया जाए ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स ऑन कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट एनालॉगस पेयर्स, लता मंगेशकर क्या है, सिंगर है, तो मिताली राज क्या हो जाएंगी, क्रिकेटर हो जाएंगी, तो सी ऑप्शन क्रिकेटर जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है, किससे संबंधित है, मतलब कौन सा है जो जिला परिषद के कार्य और फंक्शन से संबंधित है। चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पे, चैप्टर 10 दिया गया है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 9 है, चैप्टर 14 नहीं सॉरी चैप्टर 16, तो कौन से चैप्टर में है हरियाणा पंचायती राज एक्ट, क्या हो जाएगा राइट आंसर, चैप्टर 16 अध्याय 16। ठीक है, अध्याय 16 जो है ये जिला परिषद के कार्य और कर्तव्यों से संबंधित है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट देखिए, डैश डिस्प्ले आर सम टाइम यूज्ड बाय डॉक्यूमेंट डिजाइनर सच एज डेस्कटॉप पब्लिकेशंस स्पेशलिस्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन कंपोजिटर्स एंड अदर पर्सन हु क्रिएट हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, पेपर वाइट, इलेक्ट्रो ल्यूमिनिसेंट, प्लाज्मा या CRT, तो इनमें से कौन सी डिस्प्ले है जो यूज़ की जाती है फॉर किसके द्वारा, डॉक्यूमेंट डिजाइनर के द्वारा, किसके लिए, डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए,
न्यूज़पेपर और मैगजीन कंपोजिशन के लिए। तो क्यों, कौन इसको यूज़ करता है? तो ये हो जाएगा पेपर वाइट, ठीक है। पेपर वाइट डिस्प्ले आर द समटाइम यूज बाई डॉक्यूमेंट डिजाइनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा इज द एंशियन साइट ऑफ थे पोलर? थे पोलर पूछा है कि ये कहाँ पर है, एंशियन साइट ऑफ थे पोलर सिचुएटेड। कैथल, फतेहबाद, करनाल या पानीपत? तो थे पोलर का जो प्राचीन स्थल है ये स्थित है कहाँ पर? कैथल में। फर्स्ट ऑप्शन कैथल जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक युक्तियाँ जो कंप्यूटर बनाती हैं क्या कहलाती है? द मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड। ओके, जो कंप्यूटर बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। द मैकेनिकल डिवाइस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब आ जाते हैं, उससे बनेगा ना फिर, ठीक है। ओके, इसमें कहा गया है कि कौन सा पार्ट है जो आरोही क्रम में है। आरोही मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें छोटा देखना पड़ेगा इनमें से। 11/14, 16/19, 19/21। ओके, इसको हमें सॉल्व करके इस तरीके से आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके भी जो है देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि ये ही जो है सबसे सही क्रम में बनेगा, आप करके भी देख सकते हैं। 19 + 19 9, 19 + 19 एक 20, 209 बन रहा है 11/14 का। फिर 14 और 16 को करेंगे, 14 और 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 224 बनेगा, ठीक है। और अब देख सकते हैं आप कि 209 224 से छोटा था, यानी कि 11/14 16/9 से छोटा है। फिर 16 और 21 की कीजिए और 19 और 19 की कीजिए। 16 और 21 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 336 आएगा, ठीक है। और 19 और 19 को करेंगे तो 19 और 19 का स्केयर कितना बनता है? 1 9 81, 9 1 9 2 18, 1 8 8 16, 361 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19/21 16/19 से बड़ा है, तो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। 11/14 16/19 और 19/21 सही सीक्वेंस है ये, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम ऑफ हरियाणा इज ए स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉर। हरियाणा का ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो है किस चीज़ का खेल स्टेडियम है? फुटबॉल, हॉकी, चेस या मल्टीपर्पज स्पोर्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय खेल के लिए, मल्टीपर्पज स्पोर्ट के लिए है, कोई पर्टिकुलर खेल के लिए नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा, बहुउद्देशीय खेल। नेक्स्ट देखिए, द डैश पीसी ऑफर ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ ए नोटबुक पीसी बट दे आर लाइटर एंड कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए स्पेशल पैन कॉल्ड ए स्टाइलिश और ए डिजिटल पैन। तो कौन सा होता है, नोटबुक पीसी, टैबलेट पीसी, हैंडहेल्ड या स्मार्टफोन पीसी? ओके, सभी काम करता है लेकिन ये हल्के होते हैं, और पेन या स्टाइलिश के एक डिजिटल पैन से जो है वो काम कर, मतलब वो सिर्फ डिजिटल पैन पे जो है काम कर सकते हैं। ये कौन से होते हैं? तो ये बोले जाते हैं टैबलेट, टैबलेट पीसी इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेट एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1946 में भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है कि ये किसने पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट होगा। 71 क्वेश्चन है, द डैश इज ए स्वीलिंग लिवर माउंटेड ऑन ए स्टेशनरी बेस दैट इज वेल सूटेड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। एक स्थिर आधार पर लगा हुआ घूमने वाला उत्तोलक जो वीडियो गेम खेलने के लिए यूज करते। देखिए, वीडियो गेम के लिए हम स्कैनर यूज नहीं करते, माइक्रोफोन यूज नहीं करते, डिजिटल कैमरे, गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं, जिस पे क्या लगी होती है, एक बटन सा जो है ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो जॉयस्टिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो गेम खेलने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है, द डैश ऑपरेटर टेक ए नंबर ऑफ वेरिएबल एज इट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ वन इफ एनी ऑफ द आउटपुट आर वन। अगर उनमें से कोई भी आउटपुट वन होती है तभी जो है वो आंसर वन देता है। कौन सा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एंड गेट की, किस तरीके से बनेगी? 0 0 होगा, 0 आएगा, 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, यानी कि एंड गेट में क्या होगा, जब दोनों वन होगी तभी हमें वन मिलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एक भी वन है तो भी आंसर हमें वन मिलेगा। ये किस में होता है? ये और गेट में होता है, 0 0 तो 0, 0 1 1,
10, 21, 11, 21, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर एक आउटपुट भी हमारी 1 आ रही है तो भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये हमारा और गेट हो जाएगा। ओके, नोट नहीं होगा, नोट तो हमारे में सिर्फ एक ही होती है ना, एक इनपुट होती है, 0 अगर है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा, इन्वर्स में होता है ये, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। एक्सोर भी नहीं होगा, एक्सक्लूसिव और भी ये नहीं होगा। एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, जो 1-1 होगी तब 1 हमें नहीं मिलेगा, 0-1 पे 1 मिलेगा, 1-0 पे 1-1 मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन 1-1 पे 0 और 0-0 पे 1 ये मिल जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे और गेट का, ये और गेट के बारे में बात की गई है, अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाती है तो वो हमारा, मतलब एक इनपुट भी अगर 1 होती है तो वो 1 देगा, अगर 2 भी हो जाती है तो भी वो 1 ही देगा। ठीक है, तो और हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ताजमहल किस नदी के किनारे पर है, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। देखो गोदावरी ब्रह्मपुत्र तो वैसे ही नहीं आएंगी, बचा क्या, यमुना, तो यमुना नदी के किनारे पर ही है ताजमहल। ठीक है, क्योंकि गोदावरी तो दक्षिण में बहती है और ताजमहल जो है दक्षिण में तो है नहीं, ब्रह्मपुत्र भी जो है फिर उस साइड हो जाएगी, पूर्व की साइड, तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या, यमुना, यमुना के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड इंसर्ट ए डैश व्हेन द पेज इज फुल एंड अनदर पेज इज नीडेड। अगेन वही क्वेश्चन जो आपको पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जब वर्ड मतलब इंसर्ट करते हैं, जब पेज फुल हो गया होता है और दूसरे पेज की हमें ज़रूरत होती है तो क्या कहा जाता है इसको, इसको बोला जाता है सॉफ्ट पेज ब्रेक। वर्ड इंसर्ट ए सॉफ्ट पेज ब्रेक व्हेन द पेज इज फुल एंड अनदर पेज इज नीडेड, सॉफ्ट पेज ब्रेक जो है इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेमों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो कॉमनवेल्थ गेमों में जो स्वर्ण पदक जीता था सबसे पहले वो जीता था लीलाराम सांगवान ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन लीलाराम सांगवान यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बैक स्पेस की इरेजेस करेक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। ये क्वेश्चन भी आया था, तो लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जब लेफ्ट में होगा तब जो है बैक स्पेस की का यूज करते हैं। ओके, टॉप राइट बॉटम में नहीं, टॉप में ऊपर जाने के लिए, राइट में नीचे, सॉरी राइट में राइट की साइड जाने के लिए और बॉटम में नीचे की जाने के लिए, तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ द कर्सर यूज करते हैं, मतलब लेफ्ट ऑफ द कर्सर से हम डिलीट कर सकते हैं बैकस्पेस की द्वारा। इंडिविजुअल यूजर हैव देयर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश सर्वर, मोनोक्रोम, हब, नेटवर्क या स्पेशल सर्वर। मतलब व्यक्तिगत प्रयोगताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो ये इनको बोला जाता है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, नेटवर्क में ही वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो नेटवर्क सर्वर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पुलिस में। द इटालियन रिवोल्यूशनरी ग्यूसेप मिजीनी फाउंडेड ए सोसाइटी कॉल्ड यंग यूरोप इन। इटली के क्रांतिकारी ज्यूसेप मिजीनी ने यंग यूरोप नामक समाज की स्थापना कहाँ पर की थी। अगेन ये क्लास 9 से क्वेश्चन है, क्लास 9-10 वहीं पे आती है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये हो जाएगा बर्न। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कहाँ पर की थी, बर्न में की थी, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतक में स्थित है, डी ऑप्शन रोहतक जो है यहाँ पे सही रहने वाला है। ठीक है, अगला देखिए, ए डैश इज ए रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ए सेल, कॉन्स्टेंट रूल, वेरिएबल रूल, डाटा वैलिडेशन रूल या डाटा ट्रंकेशन रूल। मतलब कौन सा नियम है जिसके द्वारा सेल मतलब किसमें जो हम यूज करते हैं ना स्प्रेडशीट में, रो और कॉलम से जो सेल बनती है उसमें हम डाटा को एंटर करते हैं, तो कौन सा रूल होता है ये, इस रूल को कहा जाता है डाटा वैलिडेशन रूल। ए डाटा वैलिडेशन रूल इज ए रूल कंसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन ए सेल, किस तरीके का डाटा जो है एंटर किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा, देखिए हरियाणा सरकार ने योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना, शिक्षा परियोजना अभियान, मुख्यमंत्री सर्व शिक्षा अभियान या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 2014 में क्यों शुरू की थी, फॉर एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग के लिए, गतिविधि उन्मुख शिक्षा के लिए जो थे 2014 में मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना जो थी शुरू की गई थी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, डैश इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्टरियस, मतलब ए धातु है लेकिन फिर भी चमकदार है, क्योंकि ए धातु चमकदार नहीं होती है, चमक किस में होती है, धातुओं में होती है। तो ऐसा किस में होता है, आयोडीन एक ए धातु होते हुए भी क्या है, चमकदार है। तो सी ऑप्शन आयोडीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से जो करेक्टली स्पेल्ड है वो बताना था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है इसमें इलस्ट्रियस जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी तीनों इम्प्रॉम्प्टू, इलिजरी और इम्पेटियस तीनों ही जो हैं वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। इल्यूजरी में क्योंकि एस ओ आर वाई होता है ना, ए आई डबल एल यू एस ओ आर वाई, ठीक है ये होता है, तो एस ई आर वाई जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू दिया है तो पी टी यू होता है, ई नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे इम्पेटिश दिया है तो इसमें होता है इम्पेटिश, पी ई टी होता है, आई एम पी ई टी यू ओ यू एस, बाकी सही है लेकिन यहाँ पर ई होना था, ठीक है, और एज इट इज रहेगा। तो इलस्ट्रियस यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन बी। अगला देखिए, कोलाबरेट, कोमेमोरेट, कोलेट या चॉकलेट, इसमें से देखिए कौन सा सही है। सबसे पहले यहाँ पे कोलाबरेट दिया गया है, तो यहाँ पे हमें गलत बताना है ना, तो ये तो गलत है क्योंकि कोलाबरेट में क्या होता है, कोलाब लिखेंगे अगर हम तो सी ओ डब्ल ओ एल ए बी, ठीक है ये लिखा जाएगा एंड देन कोलाबरेट ये हो जाएगा, तो डबल एल होना था, तो ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है कोमेमोरेट, इसमें देखिए क्या मिस्टेक है, इसमें भी डबल एम होना था, ठीक है, सी ओ डबल एम ई एम ओ आर ए टी ई, ठीक है, बाकी सेम था, यहाँ पे डबल एम होना था, ओके। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे कोलेट, कोलेट देखिए कोलेट में भी डबल एल आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर चॉकलेट यहाँ पे दिया गया है, चॉकलेट देखिए सी एच ओ सी ओ चॉकलेट, ये बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 84 का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द ऑप्शन गिवन आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स विच वी मे हैव सिमिलर मीनिंग, सिलेक्ट द ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन दिया है, दे वांटेड टू डैश ए चाइल्ड एज दे वर चाइल्डलेस, ओके, चाइल्डलेस है वो, मतलब कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो बच्चे को क्या करेंगे, अडोप्ट करेंगे, ठीक है, अडेप्ट नहीं होगा, अडेप्ट नहीं, अडोर नहीं, अडोप्ट किया जाता है ना बच्चे को, तो अडोप्ट ए चाइल्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 85 का डी, ठीक है, अडोप्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, द लीडर इज ए पर्सन ऑफ रिफाइंड हु कैन पेशेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पीपल, सेंसिटिविटी, सेंशुअलिटी, सेंसिबलनेस या सेंसिबिलिटी। द लीडर इज ए पर्सन ऑफ रिफाइंड, क्या हो जाएगा राइट आंसर, रिफाइंड सेंसिबिलिटी हो जाएगा, नॉट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी थोड़ी होगा, ना सेंशुअल होगा ना सेंसिबलनेस होगा, सेंसिबिलिटी, हु कैन पेशेंटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पीपल, तो सेंसिबिलिटी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, से के द्वारा के साथ किस कारक की विभक्तियां हैं, अब कर्ता की नहीं होगी क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, के साथ भी क्योंकि अपादान से में साथ नहीं होता, अपादान कब यूज़ करते हैं, जब अलग होने की बात आती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो अपादान इसीलिए नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, से के द्वारा के साथ ये करण कारक की विभक्तियाँ हैं, ठीक है, तो 87 का सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी में मूल धातु में डैश प्रत्यय जोड़कर क्रियाएँ बनाई जाती हैं, मूल धातु में कौन से प्रत्यय जोड़कर जो है क्रिया बनाए, से प्रत्यय को जोड़ सकते हैं, नहीं से को नहीं जोड़ सकते, के को नहीं जोड़ सकते, ना प्रत्यय को जोड़ा जा सकता है, ना प्रत्यय जोड़कर जो है बनाया जा सकता है, ओके। अब ना प्रत्यय से कौन सा बन सकता है, अगर हम ना प्रत्यय से कोई शब्द लें, जैसे ना से क्या हो जाएगा, न से होता है, ना से भी नहीं होता है, कैसे बन सकता है, फिर का भी नहीं बनेगा, खिलौना, खिलौना भी नहीं बनेगा इसमें,
ना से बट बन जाएगा, तो ना से बोलना बन सकता है, बोल और ना, ठीक है, बोल जो है क्या हो जाएगी, मूल धातु ये ना प्रत्यय हो जाएगा, ऐसे ही लिखना हो सकता है, लिख और ना, ठीक है, तो ना से जो है बनाया जा सकता है। ठीक, अगला देखिए, पढ़ना क्रियापद है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप बताना है, पढ़ना का क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई, ठीक है, ई लग जाएगी, तो पढ़ाई जो है इसका बन जाएगा ये। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसको क्या कहते हैं, वचन काल या क्रिया। ठीक है, एक से अधिक होना क्या कहलाएगा, वचन में ही तो होता है, वचन और बहुवचन, जहाँ पे केला यानी कि एक और केले ही मीन्स एक से अधिक, ठीक है, तो वो हो जाएगा वचन, काल तो होगा ही नहीं, क्रिया नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, वचन जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चन थे, इसके अलावा अब 10 क्वेश्चन आईपीसी के और कर देते हैं पुलिस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, कै ने कौन सा अपराध किया है, मतलब कै कोई बंदा है जो किसी स्त्री ने जो काम करी इंटरनेट या ईमेल उन पर जो है क्या लिखा हुआ है, नज़र जो है वो रखे हुए है, ठीक है, तो ये इस तरीके का ऑफेंस होगा, पीछा करने का अपराध, लैंगिक उत्पीड़न का, दृश्य रतिकता का, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अपराध, तो ये हो जाएगा ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, यानी कि पीछा करने का अपराध की श्रेणी में ये आ जाएगा, तो ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, एक्स को सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1000 का नोट मिलता है, वह नहीं जानता कि नोट किसका है और वह उसे उठा लेता है, तो एक्स ने क्या किया है, कोई अपराध नहीं किया, बेईमानी से संपत्ति के दुर्निर्वोग का अपराध किया है या लूट का अपराध किया या चोरी का अपराध किया, तो एक्स ने क्या अपराध किया है ये पूछा है, तो एक्स ने बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग का जो है अपराध जो है किया है, तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, कमिटेड डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट रहने वाला है इसका। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो व्यक्ति हमने पढ़ा हुआ है, ओके, डेफिनेशन के अंडर क्या क्या चीजें आती है ये सारी चीजें, तो देखिए व्यक्ति के अंदर कंपनी भी आती है, संगम भी आती है, व्यक्ति निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं, जो नहीं आता है वो है अनरजिस्टर्ड फर्म, जो अपंजीकृत फर्म होती है वो नहीं आती है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपंजीकृत फर्म जो है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154 है, कह यह से कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु गेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपए नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा, तो कह ने कौन सा अपराध किया है, मतलब कह संपत्ति पाने के लिए ये से को बोल देता, मतलब किसी बंदे से बोलता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे पास है, तो किस तरीके का, लूट का नहीं है ये, किसका है, एक्सटोर्शन का केस हो जाएगा ये। ठीक है, एक्सटोर्शन उद्यापन का एक्सटोर्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन एक्सटोर्शन का केस होगा ये। ठीक है, राजद्रोह का अपराध किस धारा में दंडनीय है, धारा 124 क्या है, धारा 120 क्या है, 123 क्या है या 123, ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, तो ये जो है राजद्रोह का ये है धारा 124 क में, सेक्शन 124A में है, सेडिशन ऑफ पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, ऑफेंस ऑफ सेडिशन राजद्रोह का अपराध 124A में। आपराधिक मानव वध व हत्या में अंतर किस मामले में किया गया है, द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर आर डिफ्रेंशिएटेड इन विच केस, डीपीवी वर्सेस वियर, केएम नानावटी या महाराष्ट्र राज्य, आरवीएस गोविंदा या वसुदेव वर्सेस एम्परर, ये किस में जो था किया गया था ये पूछा गया है इसमें, तो ये केस हो जाएगा आर वर्सेस गोविंदा केस में, आर बनाम गोविंदा केस में जो था ये किया गया था, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसमें सही रहेगा, आर बनाम गोविंदा केस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विधि पूर्ण संरक्षक में से व्यपरण के अपराध हेतु अप्राप्त वयस्क की उम्र कितनी होनी चाहिए, इन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप द एज ऑफ माइनर शुड बी 21 वर्ष से कम, यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम, नारी हो तो 18 वर्ष से कम, नर हो तो 18 और नारी हो तो 16, यदि नर हो तो 18 वर्ष से कम और नारी हो तो 18 वर्ष से कम, तो कितनी होनी चाहिए, अब व्यपरण के अपराध हेतु उम्र पूछी है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा अगर नर है तो 16 और 16 वर्ष से कम और नारी हो तो 18 वर्ष से कम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा 97 का। नेक्स्ट है, चोरी के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, चल संपत्ति, संपत्ति जिस व्यक्ति के कब्जे में उसकी सम्मति से बिना ली गई हो, संपत्ति को लेने का बेईमानी पूर्ण आशय हो, या संपत्ति के स्वामी के संपत्ति के बिना संपत्ति ली गई हो,
स्वामी की सम्मति के बिना। चोरी के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? ओके, देखिए अब चल संपत्ति लेगा तो है आवश्यक है। संपत्ति जिस व्यक्ति के कब्जे में उसकी सम्मति के बिना ली गई हो तो वो भी चोरी है बिना उसके जाने। संपत्ति को लेने का बेईमानी पूर्ण आशय हो, ये भी सही है। जो नहीं है आवश्यक तत्व नहीं है चोरी के लिए, वो है स्वामी की सम्मति के बिना संपत्ति ली गई हो, तो ये वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉपर्टी टेकन आउट फ्रॉम पोजेशन ऑफ ओनर विदाउट हिज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा थेफ्ट का, मतलब एलिमेंट नहीं होगा थेफ्ट का। बाकी तीनों मूवेबल में भी आएगी, उसको जबरदस्ती कब्जा करना भी, और बेईमानी पूर्ण आशय है तब भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द ऑफेंस ऑफ एक्सट्रोशन इज ट्राइएबल बाई ऑन विच कॉर्ट? उद्यापन का जो अपराध है ये किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, ये पूछा गया है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोर्ट, एनी मजिस्ट्रेट। उद्यापन का अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट हो। ठीक है, यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह को सदोष हानि करने के आशय से कै उस घोड़े को गोली मार देता है। कै ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया, रिष्टिकारित की, न्याय भंग किया या छल किया। क्या कह रहा है? ए हैविंग ज्वाइंट प्रॉपर्टी विद जेड, मतलब ए और जेड की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है किसी हॉर्स पे। ठीक है, वो शूट कर देता हॉर्स को इस इंटेंशन के साथ कि जेड जो है उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, हानि करने के लिए। तो कै ने किस तरीके का जो है अपराध किया है ये पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा कमिटेड मिसचीफ का। ठीक है, रिष्टिकारित किया, तो कमिटेड मिसचीफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 100 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन 2 रहेगा। तो ये थे कंप्लीट 100 क्वेश्चन। तो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अभी पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुए थे, और आगे भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हम पेपर तक करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ मैं आपको 10 क्वेश्चन आईपीसी के भी इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी रिविजन हो जाए, और अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एग्जाम में आते होंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि और बच्चों को भी जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।